मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही अहदेदारान की तमाम ही सेल विंग तुम्हारे हमारे कारगुजार सदर शहरी सदर ब्लॉक सदर तमाम ही हमारे आज अहदेदारान की मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर शहरी हालात के ऊपर हम लोगों ने सलाह मशवरा किया कि मालेगांव शहर के शहरी मसाइल आज आवाम कौन से ऐसी चीज़ है जिससे परेशान है जो ज़रूरत आवाम को राहत मिल सके, इस ताल्लुक से सलाह मशवरा हुआ और हम लोगों ने दो तीन फैसले हम लोगों ने लिए आज की मीटिंग में। पहला फैसला ये लिया गया है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आज प्रशासक राज है, आज बॉडी नहीं है, आज मेयर डिप्टी मेयर स्टैंडिंग चेयरमैन सभागृह नेता विरोधी पक्ष नेता या कॉरपोरेटर आज कोई भी बॉडी खत्म हो चुकी है, उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है और प्रशासक राज मालेगांव शहर पर है और बहुत दिन तक प्रशासक राज नहीं रहना चाहिए, यह घातक होता है। चाहे मालेगांव हो, चाहे दूसरे शहर हो, चाहे राष्ट्रपति राज हो, राष्ट्रपति शासन हो, जहां पर लोकतंत्र में बॉडी का होना, लोक प्रतिनिधि का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन आज हमारे गांव शहर में जो प्रशासक कमिश्नर साहब है, कमिश्नर साहब को जैसा काम करना चाहिए शहर के अंदर, जो पावर का इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। समझ में ये आ रहा है कि सरकार के अंदर जो पार्टियां शामिल है महाराष्ट्र हुकूमत में, आज के कमिश्नर आज के प्रशासक दबाव में मालेगांव शहर मध्य भाग में सेंट्रल असेंबली हलके में और रमजानपुरा दरेगांव मालदा ये इलाकों के साथ जानबूझकर कमिश्नर साहब जो प्रशासक है वो सरकारी पार्टी के नुमाइंदों के दबाव में आकर भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा स्पष्ट आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रशासक कमिश्नर साहब को यह साबित करना होगा ये शहर में कि मैं भेदभाव नहीं करता, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता, यह साबित करना पड़ेगा और उसके लिए हमने उनको टाइम लिमिट दे रहे हैं। जो हमने कुछ मुद्दे के ऊपर हमारा फैसला हुआ है, हम टाइम लिमिट दे रहे हैं, आने वाले जुमा तक फारान हॉस्पिटल से आगे और दरेगांव तक हाईवे तक जो रास्ता है वो बहुत खस्ता हालत है। आज आवाम परेशान है, वो रास्ता कमिश्नर साहब ने, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो बॉडी थी, जो मेयर और जो बॉडी सत्ता के अंदर हम थे, तो 15 करोड़ रुपया सरकार के फंड से 14 वित्त आयोग जो अभी 15 शुरू है उसमें 15 करोड़ रुपए का ठहराव किया गया था, जो सरकार पैसा देती है उससे वो रोड वहां तक का आगे प्रोसीजर किया जाए और बनाया जाए। लेकिन जो मालूमात हमारे पास है कि वो 15 वित्त आयोग का पैसा कमिश्नर साहब ने, प्रशासक ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो ठहराव किया गया था उसको दूसरे हेड में वापर लिया गया है और ये काम आज रोड का ना टेंडर हुआ ना उसकी कार्रवाई शुरू की गई और इसलिए रोड आज खस्ता हालत है। इसके लिए
ठहराव मंजूर है, पैसा गवर्नमेंट फंड का मंजूर है, कमिश्नर साहब ने यह साबित करना पड़ेगा 25 तारीख तक कि मत वो टेंडर निकाल रहे, काम की शुरुआत कर रहे, और नहीं तो 26 तारीख को जुमा को देवी के मल्ले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक महाआंदोलन होगा। और अगर लैंड ऑर्डर खराब होता है तो इसकी जिम्मेदार कमिश्नर प्रशासक मालेगांव महानगर पालिका रहेगी, इस बात की नोट प्रशासन ने लेना चाहिए, नोंद लेना चाहिए। एक मुद्दा हुआ। दूसरा, उसके दो दिन बाद सुलेमानी चौक से पवार वाली रोड जो है उसका भी पैसा बजट मंजूर है। हम पीर के दिन, आने वाले हफ्ते के अंदर पीर के दिन दोपहर में 3 बजे हसनपुरा 60 फीटी रोड पर, वहां भी हम लोग आंदोलन करेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अहदेदार वर्कर। वो रोड का भी खुलासा जवाब कमिश्नर साहब ने, प्रशासक साहब ने देना चाहिए शहर की आवाम को। और इसी के साथ सलाटर वाली रोड है, इसी के साथ जो 80 फीट रोड है मौलाना उमरान की खानका वाली है, सलाटर वाली है, फार्मेसी वाली रोड है, ये तुम्हारा या मियाँ जी शॉपिंग सेंटर वाली रोड है, ऐसे बहुत सारे रास्ते जो है शहर के जो के बजट हेड के अंदर मौजूद है, मंजूर हो चुके हैं, बॉडी ने मंजूर करके गई है। और प्रशासक को बहुत ज्यादा जरूरी अगर जो रास्ता लगता है तो स्पेशल पावर, स्पेशल कैटेगरी में हुकूमत ने उनको पावर दिया है, वो टेंडर भी निकाल सकते, टेंडर भी मंजूर कर सकते, कोई स्टैंडिंग की जरूरत नहीं, कोई महासभा की जरूरत नहीं, वो काम हो सकते। लेकिन मेरा आज भी आरोप है कि बजट के ऊपर अमल मौजूनी नहीं करते हुए प्रशासक कमिश्नर साहब सरकारी पार्टी के लीडरांस के दबाव में मुसलमानों के साथ, सेंट्रल असेंबली हलके की आवाम के साथ नाइंसाफी कर रहे, भेदभाव कर रहे, ऐसा स्पष्ट मेरा आरोप है। और अगर इसके ऊपर कमिश्नर ने जवाब नहीं दिया, काम की शुरुआत नहीं की गई, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी, ये बात का फैसला आज की मीटिंग में लिया गया है। जब तक आगरा रोड फारान हॉस्पिटल से लेकर वहां तक का टेंडर वगैरह के लिए वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे साहब मालेगांव आते हैं, आड़ावा बैठक लेने आते हैं, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वो आने, वो जब आ रहे थे तो आपने पूरा सुशोभीकरण किया, आपने हाईवे से लेकर कॉलेज ग्राउंड तक, आपने क्रीड़ा संकुल तक, आपने कैंपो चर्च तक, आपने कोई पोल नहीं छोड़ा कलर मारने, आपने कोई छोटा पत्थर जो गड़ा हुआ था रिवाइडर का उसमें भी कलर मारा, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। राज्य के मुखिया अगर आते हैं उनका स्वागत होना ही चाहिए, एक मैसेज शहर का जाना चाहिए। लेकिन ये शहर के अंदर जो लाखों जनता है जो परेशान है, मुखिया के वजह से अगर वो डेवलप हो सकता तो ये शहर के अंदर फिर हम लोगों को भी कोई वीआईपी पर्सन दरेगांव से लाना पड़ेगा कि जब हमारा काम होगा, इसका जवाब कमिश्नर साहब ने देना चाहिए। और वीआईपी पर्सन ऐसा वीआईपी पर्सन होगा कि शहर भी ताज्जुब करेगा, दुनिया भी ताज्जुब करेगी। वो भी आंदोलन हम कर सकते हैं, आज हम इशारा दे रहे हैं, ये सब काम होना चाहिए। शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट आज बंद है, शहर के अंदर साफ सफाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है, शहर के अंदर पेचवर सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, शहर के अंदर एम्बुलेंस की आज किल्लत है, बहुत सारे मसाइल आज हमारे सामने खड़े हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आज के प्रशासक की, कमिश्नर की जिम्मेदारी है, इसके ऊपर अमल करे। और नहीं, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रास्ते पे उतरने वाली है, और जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रास्ते पे उतरती है, हम कोई छोटा मोटा आंदोलन करके इशारा नहीं देते। हमने जो भी मशवरे से पूरी प्लानिंग हमने की है, और जरूरत पड़ने के ऊपर इतिहास गवाह इस शहर का, मैं क्या बोल रहा हूं, इतिहास गवाह इस शहर का कि नगर पालिका के टेन अगर किसी ने कारपोरेशन के कर्मचारियों का अगर मुंह काला किया है तो यही शेख रशीद साहब की क्यादत में उस वक्त के कांग्रेस के वर्करों ने किया था।
तो हमको जरूरत पड़ने पर आज महानगर पालिका है फिर तारीख दोहराना पड़ेगी, इस बात का ख्याल भी प्रशासन ने रखना चाहिए। आज की हमारी मीटिंग के अंदर ये फैसले आज हुए, कॉरपोरेशन के जो मसाइल थे उसके ऊपर हमने मैं बोला हूँ। और हमारा जो पावर कंपनी है शहर के अंदर, जो प्राइवेट पावर कंपनी है, इस ताल्लुक से के ऊपर भी बहुत शिकायत हम लोगों को मिल रही है, उस ताल्लुक से असलम अंसारी साहब आप लोगों के सामने बोलेंगे। असलम, हमारी मीटिंग के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के ताल्लुक से भी चर्चा हुई, मालेगांव शहर का पुलिस डिपार्टमेंट के ताल्लुक से भी चर्चा हुई, और चर्चा के अंदर ये बात सामने आई और आप लोगों के जरिए बार बार बात सामने आती है, यूट्यूब चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बार बार सामने बात आती है कि शहर के अंदर चोरी की वारदात बढ़ गई है और बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई कारखानों के अंदर ताना बाना चुरा लिया जा रहा है, कई भीम चुराई जा रही है, कई घर फोड़ी की जा रही है, कई लाखों रुपए के जेवर जा रहे हैं, किसी की मोटरसाइकिल चोरी जा रही है, किसी को कट्टा लगाकर पैसा छीना जा रहा है, किसको कटर मार के पैसा छीना जा रहा है, ये सिर्फ पूरे शहर के अंदर तो चल रहा है, लेकिन पवार वाली हद्दी के अंदर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर इस तरीके की वारदातें हो रही है। तो क्या हमने और शहर की आवाम ने ये समझ लेना चाहिए क्या पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव या कंट्रोल खत्म हो चुका है क्या, ये समझ लेना चाहिए क्या? पुलिस इस मामले में जवाब दे, एडिशनल एसपी साहब जवाब दे या जिला एसपी साहब जवाब दे या तमाम ही पुलिस स्टेशन के पीआई साहब जवाब दे और ये जवाब दे दे कि हम कंट्रोल हमारा खत्म हो चुका है, अब ये शहर हमसे नहीं संभलता है, हम लैंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते, हम चोरी की वारदात को नहीं रोक सकते, हम क्राइम को नहीं रोक सकते, ये साफ तौर पर पुलिस वाजे कर दे कि अब हमारे कंट्रोल खत्म हो गया, तो हमको फिर ऊपर जाने के लिए रास्ता दे दे, क्योंकि अभी पुलिस ने ब्लॉक करके रखा है चौबुल्ली से हम लोगों को कि हम सक्षम हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप चौपल्ली के उधर मत जाओ, तो कम से कम चौपल्ली का रास्ता खोल दो या तो फिर शहर के अंदर क्राइम को कंट्रोल करो, चोरी की वारदात जो भी हो रही है वो कंट्रोल करे, और नहीं तो हमको चौपल्ली से रास्ता जाने के लिए दे दे। और अगर वो रास्ता भी आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि आजकल कैसा है कि लोक प्रतिनिधि से ज्यादा दबदबा है ना पुलिस का होता है, लेकिन अगर पुलिस डिपार्टमेंट ये जवाब नहीं दे पाता तो फिर मजबूरी में ये शहर की आवाम की बका के लिए, ये शहर के अंदर अमन अमान बरकरार रहे इसके लिए, ये शहर के अंदर बुनकर गरीब मजदूर की हिफाजत हो इसके लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जरूरत पड़ने पर पुलिस डिपार्टमेंट के विरोध में कि कंट्रोल इनका खत्म हो चुका, मजबूरी में हम लोग बड़ा आंदोलन बड़ा मोर्चा का ऐलान भी कर सकते हैं, और नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट ने ये शहर को कंट्रोल करना चाहिए, दबाव अपना बरकरार रखना चाहिए, चोर डकैती घर फोड़ी कटर ये तमाम ही चीजें मुझे मालूम है कुत्ता गोली का बोल के फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो कंट्रोल के बाहर हो गया, ईदगाह से भी बोला जाता तो नहीं होता, अमन कमेटी की मीटिंग में भी बोला जा रहा तो नहीं हो रहा, असेंबली में भी बोला जा रहा तो कंट्रोल नहीं हो रहा। खैर वो हमारे शहर के एमएलए साहब ने मुद्दा हाथ में लिया, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है कि इसको कंट्रोल करे, यही बोलना था। मालेगांव की आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, यहाँ के कारोबारी परेशान है, और पावर के ताल्लुक से खासगीकरण हुआ जब से आज तक या उसके पहले सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही कोई आंदोलन की,
जब हम कांग्रेस पार्टी में थे जब आंदोलन किए, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए जब आंदोलन किए। तो मालेगांव शहर वासियों को भी शायद ऐसा लगता है कि आंदोलन सिर्फ एक ही पार्टी करती है, दूसरी पार्टी करती नहीं है। इससे मालेगांव शहर वालों को भी ऐसा लगता है कि भाई यानी अब ये कोई बात ही नहीं रह गई पावर के ताल्लुक से। और हमको भी अब ये महसूस होने लगा कि भाई किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दुनिया भर की तकलीफ मालेगांव की आवाम, मालेगांव के बुनकर, मालेगांव के घरगुती पावर इस्तेमाल करने वाले तकलीफ उठा रहे। लेकिन जैसे आज ये हो गया कि भाई महंगाई बढ़ते जा रही है और महंगाई की आवाज़ कहीं से आई नहीं थी। जो गैस सिलेंडर कल 300 रुपये में था आज 1100 का हो गया, जो सब्जी कल 3 रुपये थी आज 30 रुपये में हो गई, किसी की तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं उठ रही। यानी पब्लिक को भी अब ऐसा लगता है कि शायद आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है, जैसा मिल रहा वैसा चलाओ और धकाओ। लेकिन बार बार आंदोलन हम लोग करके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आसिफ भाई के तरफ से हम लोग जितना भी आंदोलन किए, तो हमको भी ऐसा लगता है कि भाई शायद पब्लिक को ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम भी बहुत बर्दाश्त करते, लेकिन हमसे बर्दाश्त होता नहीं। हम दूसरी पार्टी के जैसा खामोश बैठना नहीं चाहते, हम पब्लिक का दर्द समझते हैं और उनकी तकलीफ समझते हैं। इसलिए आसिफ भाई को हम बार बार आके बोलते हैं कि साहब बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। आसिफ भाई बोलते कहाँ तकलीफ है, तुम दो चार लोग के अलावा मुझे तो गाँव का कोई आदमी बोलते ही नहीं। तो मैं गाँव वालों से आपके चैनल के माध्यम से, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उनको, कारखानेदार को या घरगुती वालों को तकलीफ है, तो वो आने वाले महीने में यानी 1 तारीख तक के, सितंबर के 1 तारीख तक के हमारे पास अपनी शिकायत ला के देवे। और 2 तारीख को हम आसिफ भाई को विनंती करके, रिक्वेस्ट करके 2 तारीख के दिन हमारा मोर्चा निकालने का प्रोग्राम है। अगर हमारे पास पब्लिक आती है तो ये आंदोलन 2 तारीख के दिन होगा, अगर पब्लिक को कोई शिकायत नहीं तो फिर हम आंदोलन ये वापस ले लेंगे। हम ये समझेंगे कि मालेगांव शहर की आवाम को या कारखानेदार को पावर के ताल्लुक से कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए अपना आंदोलन वो वापस ले लेंगे, हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर वासियों से गुजारिश करता हूं कि अगर उनको तकलीफ है तो राष्ट्रवादी भवन पे लाके 1 तारीख तक के अपना जो बिल में डिस्प्यूट हो या जो भी तकलीफ है उसका लेखी खुलासा करे, या पावर का बिल ला के जेरेक्स जमा करें। हम इंशाल्लाह 2 तारीख के दिन वो आंदोलन करेंगे, अगर पब्लिक की तरफ से कुछ रिस्पांस आएगा तो करेंगे, नहीं तो जैसे और पार्टियां खामोश बैठी है पावर के ताल्लुक से, जो सत्ताधारी है आज, जो आमदार है वो खामोश बैठे, जो अपोजिशन में वो खामोश बैठे, तो हम भी खामोश बैठना फिर पसंद करेंगे। और कुछ आपका